जय हिंद जय भारत। आप देख रहे हैं अजय भारत मीडिया, जहां हम बनते हैं जनता की आवाज। आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद पर हुए हमले के विरोध में देश भर के कार्यकर्ताओं का उबाल जोरों पर है। इसी कड़ी में क्रम जारी रखते हुए आज गुरुग्राम से सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता कई अन्य संगठनों के साथ मिल करके लघु सचिवालय तक प्रेम मंदिर से होकर के पूरे बाजार में एक उन्होंने जुलूस प्रदर्शन के रूप में निकाल करके सरकार को चेताया है कि जो गिरफ्तार किए गए हैं वो निर्दोष हैं, क्योंकि जिन हत्यारों को या फिर आप कह सकते हैं जिन्होंने गोलीबारी की थी, उन लोगों को जिनको गिरफ्तार किया गया है वो बेकसूर हो सकते हैं, क्योंकि पुलिस ने अपनी जान बचाने के लिए इन लोगों को गिरफ्तार किया है। दरअसल इन लोगों के पास से ऐसा कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला पुलिस को जिससे कि यह साबित हो सके कि इन्होंने भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आज़ाद पर गोली किस कारण से चलाई थी। साथ ही धर्मवीर परवाल जो कि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, उन्होंने कहा है कि इसकी मांग की है सीबीआई जांच होने के लिए। चौधरी संतोष सिंह ने भी कहा है कि इस मामले में निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। सुमन हुड्डा ने कहा है कि यदि किसी भी व्यक्ति को समाज में जैसे ही आगे आता है तो एक पार्टी विशेष के द्वारा उस पर हमले करवा दिए जाते हैं जिससे कि उसको पीछे हटने को मजबूर कर दिया जाता है। इसी कड़ी में आगे बोलते हुए मोहन खुरानिया ने बताया कि देश में अब एक लहर है आज़ाद समाज पार्टी की, इसको देखते हुए सरकार बौखला गई है जिस कारण से उन पर हमला करवाया गया है। रामे प्रधान ने कहा कि ये बिल्कुल गलत हुआ है, इसकी घोर निंदा की जाती है, साथ ही आने वाले समय में सरकार को इसका जवाब देना होगा। देखिए ये खास खबर और इसको शेयर जरूर करें, साथ ही लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। मैं धर्मवीर परवाल, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भीम आर्मी और प्रभारी हरियाणा प्रदेश। ये प्रदर्शन आज किससे किया जा रहा है, क्या कहना चाहिए? यह प्रदर्शन जो भाई चंद्रशेखर आजाद जी भीम आर्मी के संस्थापक हैं और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, बहुजन और शोषितों की आवाज हैं, उनके ऊपर अभी कुछ दिनों पहले जानलेवा हमला किया गया था, उसके विरोध में यह प्रदर्शन किया जा रहा है। क्योंकि जो हमला किया उसमें बड़े मुश्किल से भाई चंद्रशेखर जी की जान बची और उसके बाद पुलिस ने चारों आरोपियों को तो गिरफ्तार कर लिया, परंतु जो पुलिस थ्योरी बता रही है वह किसी भी तरह से हजम होने वाली नहीं है, क्योंकि उसके पीछे साजिशकर्ता कौन है और उन्होंने क्यों हमला किया अभी तक पुलिस ने कुछ भी खुलासा नहीं किया है। तो इस ज्ञापन के माध्यम से हम चाहते हैं कि उस पर हमला कर भाई चंद्रशेखर जी के ऊपर हमला करने वाले लोगों का पर्दाफाश किया जाए, जिन्होंने हमला करवाया है उनको बेनकाब किया जाए और जो गिरफ्तार हुए हैं तथा जो उस साजिश में शामिल हैं सबके ऊपर राष्ट्रीय जो सुरक्षा एक्ट है उसके तहत रासुका के तहत कार्रवाई की जाए तथा फास्ट ट्रैक कोर्ट में अपना मुकदमा चला करके जल्दी से जल्दी उनको सजा देना सुनिश्चित किया जाए और भाई चंद्रशेखर आजाद जी को जेड प्लस की सुरक्षा की हम इस ज्ञापन के माध्यम से मांग करते हैं, क्योंकि ये मामला केवल उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं है। इस भाई चंद्रशेखर आजाद जी पूरे देश में शोषितों वंचितों और बहुजनों की आवाज उठाने वाले आदमी हैं, वो चाहे पीड़ित किसी भी जाति धर्म या समाज का हो, भाई चंद्रशेखर आजाद जी हरेक के साथ मजबूती से खड़े हैं, चाहे वो महिला खिलाड़ियां हो, चाहे वो अपना किसान मजदूर हो, चाहे वो और भी कोई मामला हो, भाई चंद्रशेखर आजाद जी मजबूती से अपना आवाज उठाते हैं और संविधान के खिलाफ कार्य करने वालों के लोगों को उनको सजा दिलाने के लिए संघर्ष करते हैं। इसलिए यह केवल यूपी सरकार का ही मामला नहीं है, इसमें जो नरेंद्र मोदी जी हैं प्रधानमंत्री इस देश के और जो गृह मंत्री हैं जिन पे पूरे देश की सुरक्षा का उत्तरदायित्व तो है, उनको इसमें तुरंत संज्ञान लेना चाहिए, बल्कि अब तक ले लेना चाहिए था कि जब वो किसी खिलाड़ी को, बिजनेसमैन को, किसी नौटंकीबाज को अगर जो सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं या दूसरी पार्टियों से टूट करके जो नेता आ रहे हैं उनको सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं, तो इस देश के बहुत बड़े वर्ग, बल्कि सबसे बड़े वर्ग की आवाज उठाने वाले भाई चंद्रशेखर आजाद जी को क्यों नहीं। तो इसलिए हम इस ज्ञापन के माध्यम से, जो ज्ञापन डीसी के मार्फत राष्ट्रपति जी को दिया जाएगा, उसके माध्यम से हम मांग करते हैं कि भाई चंद्रशेखर आजाद जी को भी जेड प्लस की सुरक्षा दी जाए और जल्दी से जल्दी दोषियों को सुरक्षा सजा सुनिश्चित की जाए तथा इस देश में जो हजारों
लाखों लोगों के ऊपर जो दलित समाज, आदिवासी समाज या पीड़ित समाज के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं उन पर तुरंत संज्ञान लिया जाए। आपने देखा कि अभी उत्तर प्रदेश में एक व्यक्ति ने आदिवासी समाज के एक व्यक्ति के ऊपर पेशाब करते हुए वीडियो वायरल देखी होगी। यह केवल एक हादसा नहीं है, यह एक मानसिकता है। और ना तो कोई भी भला आदमी, चाहे वो किसी भी जाति या धर्म का है, कोई भी उसे सही नहीं कह सकता। इसलिए जो सरकार की उदासीनता है, ऐसे लोगों को उससे बढ़ावा मिल रहा है, क्योंकि आप जानते हैं कि इस देश में बलात्कार करने वाले लोगों के साथ इस सत्ता वर्ग के लोगों ने बकायदा तिरंगा यात्रा निकाली। बलात्कार करने वाले लोगों को, मर्डर करने वाले लोगों को जब इस तरह सरकार में बैठे हुए लोगों का सहारा मिलेगा तो आप बताओ कि अपराध क्यों नहीं होंगे। इसलिए सरकार की उदासीनता के कारण ही उन लोगों को, ऐसे लोगों को, अपराधियों को बढ़ावा मिल रहा है। इसलिए सरकार को गंभीरता से शोषितों, दलितों और बहुजनों के ऊपर होने वाले अत्याचारों के प्रति एक सही रणनीति के तहत क्रियान्वयन करना चाहिए। तभी जो है, क्योंकि कानून कितने ही बना दो, यदि उसका सही अमल नहीं होगा तो फिर कोई मतलब ही नहीं है कानून का। और वही हो रहा है, कानून सब बने हुए हैं परंतु सरकार में बैठे हुए लोग ईमानदारी से उनको लागू नहीं होने दे रहे। तो इसलिए हम ये मांग करते हैं कि भाई प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी इस देश में शांति व्यवस्था चाहते हैं तो उन्हें सभी में सुरक्षा का भाव पैदा करना चाहिए ताकि उनको विश्वास हो सके कि हम भी इस देश में सुरक्षित हैं। जी, मैं सुमन हुड्डा, महिला प्रदेश अध्यक्ष, भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी। आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं भाई चंद्रशेखर पर हुए हमले को लेके। आज किसान कमेरे का या मजदूर का बच्चा जैसे ही दो कदम आगे बढ़ने की कोशिश करता है, अपनी कम्युनिटी के लिए, देश के लिए, समाज के लिए कुछ अच्छा करने का कोशिश करता है, तभी उसके ऊपर लाठी और गोलियों की बरसात कर दी जाती है। उसको केस लगाकर जेलों में डाल दिया जाता है, उसके जो मौलिक अधिकार है उनका हनन कर लिया जाता है। बोला जाता है कि लोकतंत्र है, लोकतांत्रिक व्यवस्था अगर होती तो आज जो ये हो रहा है ये नहीं होता। जैसे कि साहब ने अभी बताई बात कि एक व्यक्ति के मुंह पर भाजपा के मंत्री पेशाब करते हैं और उसके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं होती, उस मामले को दबा दिया जाता है। यूपी में लखीमपुर में बीजेपी के मंत्री जो है किसानों के बच्चों के ऊपर गाड़ी चढ़ा देते हैं, थार चढ़ा देते हैं। वो बच्चे जेलों में, आजकल उनके परिवार के लोग जेलों में पड़े हुए हैं, पर उन हत्यारों को आज तक कोई भी सजा नहीं दी गई है। ऐसे ही बीजेपी के मंत्री हैं ब्रजभूषण, जो बेटियों के साथ जिन्होंने अन्याय किया उनके लिए कोई सजा नहीं है। अब मामला आया भाई चंद्रशेखर आजाद पर हमले का। सरकार को सब पता है, सुनियोजित चीजें होती हैं। अगर वो पकड़ना चाहते हैं तो विद इन वन सेकेंड वो गिरफ्तारी कर सकते हैं अगर उनकी नियत में हो तो। हम सरकार में, सत्ता में बैठे हुए लोगों से ये मांग करना चाहते हैं कि हमने आपको चुन के वहाँ पे भेजा है, आप हमारे नुमाइंदे हैं, तो ये मांग करना भी हमारा अधिकार है। हम आपसे उन लोगों की गिरफ्तारी की मांग करते हैं और भाई के लिए सुरक्षा की मांग करते हैं। आपने हर उस इंसान को सुरक्षा दे रखी है जो इसका अधिकारी भी नहीं है। करोड़ों रुपए आप उन लोगों की सुरक्षा में बर्बाद कर देते हैं जिन लोगों को इनकी जरूरत नहीं, सिर्फ दिखावा होता है। और जो ये आम इंसानों के बच्चे हैं ना, जो आम किसान के, आम मजदूर के, आम व्यापारी के बच्चे जो बैठे हुए हैं, इनके लिए आपको जो सुविधाएं देनी होती है उसका आप 0% देते हैं। और हम ऐसे ही सड़कों पर लड़ाइयां लड़ते हुए, ये कहीं गोली से मर जाते हैं, कहीं लाठियां सिर में मार दी जाती है वहां मर जाते हैं, कहीं हमें जेलों के अत्याचारों से मार दिया जाता है। तो हम सख्त निर्देश देना चाहेंगे इन अधिकारियों को भी कि आप न्यायिक प्रक्रिया के अनुसार कार्य करें और भाई पर हुए हमले को जो है वो अपराधियों को गिरफ्तार करें। धन्यवाद। चौधरी संतोष सिंह, अध्यक्ष संयुक्त किसान मोर्चा गुरुग्राम। आज पूरे देश में कानून व्यवस्था का दिवाला पिट चुका है, अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं और जो जनता की आवाज उठा रहे हैं उन पर हमले हो रहे हैं। भाई चंद्रशेखर आजाद ने किसानों की आवाज़ उठाई, पहलवानों की आवाज़ उठाई, वंचितों की आवाज़ उठाई और इसी कारण से उन पर हमला हुआ है। सरकार ये ना समझे कि भाई चंद्रशेखर आजाद अकेले हैं, उनके साथ पूरा किसान समाज है। और आज यहाँ पे गुरुग्राम में उन पर हमले के विरोध में धरना प्रदर्शन किया गया है। आज प्रेम मंदिर गुरुग्राम से और यहाँ मिनी सेक्रेट गुरुग्राम तक धरना प्रदर्शन किया है और अब ज्ञापन देंगे कि भाई चंद्रशेखर आजाद को सुरक्षा प्रदान की जाए और अगर सरकार उनको पूरी सुरक्षा प्रदान नहीं करती है तो पूरे देश में एक बड़ा आंदोलन होगा।
जो प्रोटेस्ट किया उसके बारे में बताइए, कहां से कहां तक किया और क्या इसका उद्देश्य है। सबसे पहले तो मैं सभी दर्शकों को, आपके दर्शकों को नमस्कार, जय भीम बोलना चाहूंगा, जय भारत जय संविधान। मैं मोहन खुरानिया, पूर्व जिलाध्यक्ष भीम आर्मी गुड़गांव। जैसा कि आप सभी जानते हो, आज का जो प्रोटेस्ट था ये चंद्रशेखर भाई पे जो जानलेवा हमला हुआ था उसके खिलाफ हम लोगों ने इस प्रदर्शन को किया। इस प्रदर्शन की जो अध्यक्षता रही वो हमारे माननीय डॉक्टर धर्मवीर प्रवाल जी के नेतृत्व में रही, जो कि हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, जो कि अभी साथ में खड़े हुए हैं। और इस प्रोटेस्ट के अंदर हमारे कोर कमेटी के लोग भी, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य श्रवण नंबरदार, इसके अलावा किसान मोर्चा से सुमन हुड्डा जी, ठीक है, मुकेश रेड्डू जी और बहुत सारे लोग, बहुत सारे नेता अलग अलग पार्टियों से, अलग अलग समूह और अलग अलग संगठन से हमारे समर्थन में आए। समर्थन में आने का मतलब ये है कि उनको भी और हमें भी ये पता है कि आज अगर बहुजन समाज की कोई आवाज़ है, अगर बहनों के साथ बलात्कार होता है, छेड़खानी होती है, इंसाफ नहीं मिलता है, कोई किसी प्रकार का अभद्र व्यवहार होता है, तो एकमात्र बहुजन समाज का एक ऐसा नेता है जो आवाज़ उठाने का काम करता है, उनका नाम चंद्रशेखर आवाज है, चंद्रशेखर आजाद है। दूसरी, अगर हम बातचीत करें, विद्यार्थियों के साथ मार पिटाई होती है, नौकरी मांगी जाती है, आज हमारे सामने भी ये प्रोटेस्ट लगा हुआ है, ऐसे लोग जब रोड पे उतरते हैं और सरकार उनको डंडे से लट से मारने का काम करती है, तो उनके लिए हक के आवाज में अगर हक की कोई आवाज उठाता है, समानता की कोई बात करता है, न्याय की कोई बात करता है, तो उनका नाम चंद्रशेखर आजाद है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि किसान लोग हमारे समर्थन में आए, तो किसानों के लिए आप लोगों ने देखा होगा, किसानों की अगर हम बात करें तो किसान आंदोलन के अंदर आपने देखा होगा, अभी भी कुछ किसान भाई बैठे हुए थे थोड़े दिन पहले धरने पे, उनकी रिहाई कराने का काम मात्र एक घंटे में जिन्होंने किया, उस व्यक्ति का नाम चंद्रशेखर आजाद है। अगर हम बातचीत करते हैं न्याय और समानता की, इस देश के अंदर अगर कोई एक बुलंद आवाज है, अगर एक कोई बुलंद नेता है जिसको राष्ट्रीय स्तर का नेता अगर माना जाए, तो वो चंद्रशेखर आजाद जी है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यह है कि उनका ये बढ़ता कद देख के, उनका ये मान सम्मान देख करके, उनकी ये लोकप्रियता देख करके, बहन बेटियों का साथ देख करके, युवाओं का साथ देख करके, बुजुर्गों का साथ देख करके और इस देश का आशीर्वाद समझ करके, एक बढ़ते हुए नेता को देख करके, ये जो सरकार है, इस सरकार ने कुछ गुंडे पाले हुए हैं, इनके संरक्षण में जो पले हुए हैं, आज आप मुझे बताइए जितनी भी घटनाएं हो रही है, इन घटनाओं के पीछे बीजेपी नेताओं के हाथ क्यों है? महिलाओं के साथ गलत होता है तो बीजेपी नेता पाया जाता है, किसी दलित के ऊपर मुंह जाता है तो बीजेपी नेता पाया जाता है, किसी बहन का रेप होता है तो बीजेपी नेता पाया जाता है, किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाई जाती है तो बीजेपी नेता पाया जाता है। तो उन बीजेपी नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करने का जो दमखम है वो हमारे प्रधानमंत्री में नहीं है। और हम ये कह सकते हैं कि ऐसी निकम्मी सरकार, ऐसा निकम्मा प्रधानमंत्री जो दूसरे देश के अंदर जाता है और डंका पीटने का काम करता है, लेकिन वही जब हमारे यहाँ पे G20 की मीटिंग होती है तो हमारे देश के जो लोग हैं जो झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, उनकी झुग्गी झोपड़ियों के ऊपर बुलडोजर चलाने का काम किया जाता है। जब इनकी राजनीति नहीं फूलती फलती है तो ये हमारे पूरे एक क्षेत्र को, मणिपुर जैसे क्षेत्र को चलवाने का काम करते हैं, लेकिन उसके खिलाफ इनके मुंह में एक आवाज नहीं है। अगर इन सारे प्रोटेस्टों के लिए, इन सारे अगर अत्याचारों के खिलाफ कोई आवाज उठाता है तो उस एक लौटे नेता का नाम चंद्रशेखर आजाद है। उस चंद्रशेखर को दबाने के लिए, हमारे बड़े भाई को दबाने के लिए, हमारे नेता को दबाने के लिए ये साजिश रची गई और इस साजिश के अंदर उनको मर्डर कराने के लिए कोशिश की गई। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने गिरफ्तारी दी है, जो चार लोग गिरफ्तार हुए हैं, ऐसा क्या हुआ कि वो हरियाणा के अंदर पहुंचे और हरियाणा के अंदर अरेस्ट हो गए? यूपी से वो लोग हमला करके हरियाणा पहुंच गए और दो दिन बाद हरियाणा से अरेस्ट होते हैं, जबकि तुरंत उसके बाद नाकाबंदी कर दी गई थी। तो वो हरियाणा कैसे पहुंचे, सबसे पहला सवाल। दूसरा सवाल आता है कि अगर वो हरियाणा पहुंच भी गए तो उनका तो कहना यह है कि हमारी भावना आहत हुई और हमने गोली मार दी। मैं ये पूछना चाहता हूं कि ऐसे कितने नेता है, ऐसे कौन से सामंतवादी, ब्राह्मणवादी या मनुवादी नेता है जिनके ऊपर उनकी भावनाएं आहत होने के बाद गोली चली हो? आज तक कोई एक नेता है तो नाम बताए, ऐसा कोई नेता नहीं है। ये सिर्फ प्रोपगंडा है और वो प्रोपगंडा है चंद्रशेखर आजाद जी को मारने के लिए। तो ऐसे नेता के लिए ये पूरा बहुजन समाज, महिलाएं, युवा और बुजुर्ग सब साथ में खड़े हैं। अगर देशव्यापी लेवल पे आंदोलन करना हुआ तो जिस दिन चंद्रशेखर भाई ने आवाज दी उस दिन पूरा देश बंद हो सकता है। यही हम कहना चाहते हैं कि हमारी जो इंसाफ की मांग थी उस इंसाफ के लिए चंद्रशेखर भाई को जेड प्लस सुरक्षा देने के लिए, इसके अलावा जो इस हमले के पीछे हैं उन साजिशकर्ताओं को गिरफ्तार करने के लिए, आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए, क्योंकि जिन्होंने गिरफ्तारी दी है वो अपने आप को आरोपी बता रहे हैं और कह रहे हैं राह चलते हुए मन बन गया हमने गोली मार दी। ऐसा होता है क्या? ऐसा कभी नहीं होता। अगर ऐसा होता तो आज जो देश के बीजेपी के नेता है उन पे कितने हमले हुए हैं, एक बार भी हमला नहीं हुआ। जबकि सबसे ज्यादा भावनाएं आहत करने के काम किसने किए, अगर किसानों पे गाड़ी चढ़ाई तो किसने चढ़ाई, बीजेपी नेता ने। महिलाओं के साथ बलात्कार किया तो किसने किया, बीजेपी नेता ने। दलितों के ऊपर मूता तो किसने मूता, बीजेपी नेता ने। यादव को परसों थूक चटाया तो किसने चटाया, आज से दो दिन पहले बिहार में, बीजेपी नेता ने। उनके खिलाफ कितनी कार्रवाई,
उनकी भावनाएं जिनके आहत हुई उनके ऊपर कितने लोगों ने हमला किया, किसी ने हमला नहीं किया, तो ये प्रोपगेंडा है। इस प्रोपगेंडे के ऊपर तुरंत कार्रवाई की जाए और कार्रवाई करके साजिशकर्ताओं के खिलाफ एक एजेंडे के अलावा उनकी एक टीम तैयार की जाए पुलिस प्रशासन की, और वो टीम जाकर के कार्रवाई करने का काम करे, उनको अरेस्ट करने का काम करे, चंद्रशेखर भाई को सुरक्षा दे और इस मामले की हम सीबीआई जांच करने की मांग करें। यह प्रोटेस्ट हमने प्रेम मंदिर से लेकर के गुड़गांव डीसी कार्यालय तक पहुंचाया और इसकी अध्यक्षता माननीय धर्मवीर परवाल जी ने की और अपना ज्ञापन सभी संगठनों के जितने भी प्रतिनिधि आए थे इन लोगों के साथ में मिलकर, प्रतिनिधि लोगों के साथ में मिलकर के देने का काम किया। सभी साथियों को नमस्कार, जय भीम।